जहाँ बहती है विरल निर्मल गंगा, जहाँ विराजते हैं देवों के देव भगवान से, जो पूरी दुनिया में अपने ज्ञान, शिक्षा और संस्कृति के कारण विख्यात हो। अगर कोई क्रांति उस नगरी से शुरू हो तो उसका अंत कैसा होगा, इसको बहुत विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है। वाराणसी के क्वींस कॉलेज में जब एक 15 साल का लड़का काशी के प्रथम क्रांतिकारी दल का गठन करे, वो भी तब जब उसकी उम्र खेलने कूदने की, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय भारत के नौजवानों में देशभक्ति का कैसा भाव होगा। आज हम बात कर रहे हैं स्वतंत्रता सेनानी सचिंद्रनाथ सान्याल की, जिनका जन्म 3 अप्रैल 1893 को काशी में हुआ था। उनके पिता हरिनाथ सान्याल और माता खेरोद वैष्णी देवी बंगाली ब्राह्मण थे और उनकी पत्नी का नाम प्रतिभा सान्याल था। सचिंद्रनाथ सान्याल ने 1908 में काशी के प्रथम क्रांतिकारी दल का गठन किया, जिसका 1913 में चंदन नगर, जो कि बंगाल में कोलकाता के पास स्थित है, के क्रांतिकारी दल से विलय कर दिया। चंदन नगर के क्रांतिकारी दल के मुखिया राजबिहारी बोस विलय के बाद काशी आकर रहने लगे और फिर धीरे धीरे काशी उत्तर भारत में क्रांति का केंद्र बन गया। 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो भारत में विरोध कर रहे क्रांतिकारियों को एक उम्मीद की किरण नजर आने लगी। इसी प्रयास में सचिंद्रनाथ सान्याल लाहौर सिख रेजिमेंट के सैनिकों से मिलने गए, जहां उन्होंने अंग्रेजों से विद्रोह करने के लिए सिख रेजिमेंट के सैनिकों को तैयार कर लिया, पर किसी कारण ये योजना विफल हो गई, जिसके बाद कई लोगों को फांसी हुई। पर सचिंद्रनाथ सान्याल और राजबिहारी बोस किसी तरह बच के काशी वापस लौट गए। काशी लौटते उन्होंने नई योजना पे काम शुरू किया, जिसके अंतर्गत वायसराय हेनरीज को मारने का काम निश्चित किया गया, पर ये योजना भी विफल हो गई। इस षड्यंत्र में शामिल होने के कारण सचिंद्रनाथ सान्याल को आजन्म काले पाने की सजा हुई, पर प्रथम विश्व युद्ध में जीतने के कारण ब्रिटिश शाही परिवार के घोषणा के अनुसार कुछ बंदियों को रिहा किया गया, जिसमें सचिंद्रनाथ भी शामिल थे। 1922 में जब चौरी चौरा कांड हुआ तो जितने क्रांतिकारी, जिन्होंने गांधी जी को वादा दिया था कि वो हिंसा नहीं करेंगे, उत्तेजित हो गए और उन्होंने फिर से क्रांति की राह पकड़ी। सचिंद्रनाथ सान्याल ने अपने क्रांतिकारी दल का नामकरण किया और उसका नाम हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन रखा। उन्होंने इसके लिए एक संविधान भी बनाया, जिसका लक्ष्य रखा गया सशक्त क्रांति और भारतीय लोकतंत्र संघ की स्थापना। यह संविधान इस बात पर भी केंद्रित था कि ऐसी सभी व्यवस्थाओं का अंत कर दिया जाएगा जिसमें इंसान को दूसरे इंसान का शोषण करने का अवसर मिलता। 1925 में HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का संबंध सूर्यकांत सेन के नेतृत्व वाली चटगांव दल से हो गया, जो कि वर्तमान में बांग्लादेश में स्थित है। इन्हीं सब घटनाओं के बीच सचिंद्रनाथ सान्याल को बंगाल ऑर्डिनेंस के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। बंगाल ऑर्डिनेंस बंगाल में क्रांतिकारियों के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए 1924 में लाया गया था। जेल में रहते उन्हें एक और केस काकोरी कांड के षड्यंत्र का मुखिया मानते हुए आजीवन काल के लिए कारावास में भेज दिया गया। इस बार 1937 में संयुक्त प्रदेश, जिसको आज के उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का लगभग भाग कह सकते हैं, में कांग्रेस मंत्रिमंडल की स्थापना के बाद सचिंद्रनाथ सान्याल को फिर से रिहा कर दिया गया। 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध के कारण उन्हें राजस्थान के देवली में नजरबंद कर दिया गया, ताकि वो इस समय का फायदा उठा के कोई बड़ी घटना को अंजाम न देते। सचिंद्रनाथ सान्याल इस समय तक यक्ष्मा नामक बीमारी, जो कि टीबी का एक रूप है, से ग्रसित हो चुके थे। उनकी मृत्यु इसी बीमारी के कारण 7 फरवरी 1942 को हो गई। सचिंद्रनाथ सान्याल ने अपने जिंदगी के लगभग 20 साल जेल में बिताए, जिसमें काले पाने की सजा तक शामिल है। सलाम है ऐसे क्रांतिकारियों को जिन्होंने हमें सुरक्षित भविष्य देने के लिए खुद की जिंदगी दांव पे लगा दी थी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इसी तरह के और वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।